लोग हैं इंक्लूडिंग 15 जो है हमारे बेसिक गेम्स के लिए बच्चे जा रहे हैं जिनकी एज कैटेगरी 11 टू 14 ईयर्स है और बाकी 16 प्लेयर्स हमारे हिमाचल की नेशनल टीम जो कि आने वाले ये आइस हॉकी नेशनल्स में वहाँ पे गुलमर्ग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये काजा से तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सपोर्ट था क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसकी हमें इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है और एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा सपोर्ट था। ये खेल एक विंटर ओलंपिक्स में भी आता है और ये विंटर ओलंपिक में भी आता है। देखिए आप जैसे देखना चाहेंगे 28 स्टेट्स में से सिर्फ लिमिटेड कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये नेचुरली खेला जाता है। तो हिमाचल में अभी वैसे तो हिमाचल में 100 साल पहले से स्केटिंग होती है और यहाँ पे हमारे पास शिमला में भी एक छोटी सी रिंक है जिसमें हम काफ़ी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी गाजा में जो एक नई रिंक बनी है इससे बच्चों के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि बच्चे वहाँ से आगे निकल सके और आने वाले टूर्नामेंट्स हो गए या फिर कोई कोचिंग कैंप्स है उसमें अपनी ट्रेनिंग ले सके। हमारे सारे आइस हॉकी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने अपना आज का दिन शिमला आइस रिंक में मनाया है। उन्होंने कोरोना काल के चलते समय हमें बहुत ज्यादा सहयोग किया है और हमारे टीम की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।